हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्नेल का रेसिपी दिखाने वाली हूँ। सो मैंने ले लिया है स्नेल। ये है स्नेल, नदी से लाया था। अभी मैं इसको रेडी करूँगी। इसको देखिए कैसा दिखता है। ये लंबा वाला स्नेल है, बहुत टाइप्स का स्नेल होता है। और ये जो है इसको ऐसे पकड़ना है, और वो जो अंदर में है जो नरम वाला मसल्स, इसको एक पिन में, सेफ्टी पिन में घुसाना है। और ये ऊपर का ढक्कन जो होता है इसको फेंकना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ढक्कन फेंकना है। उसके बाद इसको और एक जगह में रखेंगे। उसके बाद जो इसका मुंह है उसको भी काटना है। पहले इसका सब ढक्कन फेंक लेंगे ऐसे करके, एक सेफ्टी पिन के हेल्प से। इसके भी कुछ बेनिफिट्स है। इसको खाने से आँखों का रोशनी जो है वो बढ़ता है, हम इसको बिलीव करते हैं। हम लोग यहाँ पर इसका, हम लोग का ट्राइब बिलीव करता है कि इसको खाने से आँखों का जो रोशनी होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से हम इसको ज़्यादा खाते हैं, और नॉट ओनली वी, सब लोग खाते हैं इसको। जब ढक्कन फेंकने के बाद इसका मुंह काटना है ऐसे करके, देखिए ज़्यादा लंबा नहीं रखना है ताकि एक बार चूसने से निकल जाए। और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, ज़्यादा छोटा से करने से मतलब धोने के टाइम में ये इसका जो मसल्स है अंदर का वो निकल जाएगा। मीडियम रखना है। इस तरह हम काटेंगे इसका मुँह सब, देखिए हाँ ऐसा करके काटना है। ऐसे करके एक तरफ काट के यहाँ पे एक तरफ रखना है पानी में, थोड़ा पानी में, ताकि ये भीगते रहे। ये अकेले का काम नहीं, क्योंकि बहुत मतलब हार्डवर्क चाहिए इसको खाने में। तो बहुत डीजे पर काम करना होता है इसमें। इसका ढक्कन निकालना है, काटना है, बहुत अच्छे से धोना होता है, और बनाने में बहुत लेट लगता है। हम लोग तीनों मिलके कर रहे हैं। अभी इसको अच्छे से धोना है पानी में। यहाँ छोटा सा टूटा होता है इसका जो सेल है, इसका कवर जो है ये टूटा होता है। इसको अच्छे से एक मतलब छलनी में निकालना है पहले, ताकि नीचे का जो टूटा हुआ सेल है वो रह जाए और ऊपर में जो है वो रह जाए। इसको बहुत अच्छे से धुलाना होता है, क्योंकि ये बहुत दिन तक मतलब नदी में या नाला में रहता है। इसका कवर जो है सो बहुत लेतरा होता है। इसको ऐसे करके बहुत देर तक मतलब धोना होता है, ताकि ये जो ऊपर का मेला है वो चला जाए। इसे 2-3 बार करके धोते रहना है बहुत देर तक, जो उसका मेला डर्ट है वो चला जाए। धो लेने के बाद मैं ये सब पीस लूँगी ताकि टेस्टी हो, और ज़्यादा मसाला भी नहीं देना है, प्लेन बनाना है। और यहाँ पे मैंने लिया है रेड चिल्ली और गार्लिक, और ये है कुमिन जो जीरा। इन सबको मैं पेस्ट कर लूँगी। इसके बाद ये चॉप ऑनियन, और ये मैंने चॉप कर लिया रेड चिल्ली, कुमिन और मतलब गार्लिक। मैंने इस तरफ कढ़ाई भी गरम होने दे दिया है ताकि अच्छे से गरम हो जाए। और यहाँ पे अभी बनाऊंगी मैं, मेरा कढ़ाई गरम हो गया। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल गरम होने के बाद यहाँ पे ऑनियन जो चॉप किया हुआ उसको डाल रही हूँ। इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद वो पेस्ट किया हुआ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाल रही हूँ तेल में ही। ये फ्राई होने के बाद अभी मैं ऐड करूँगी यहाँ पे स्नेल्स। यहाँ पे डाल दिया है मैंने, घोंघा बोलता है शायद हिंदी में। इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा हल्दी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नमक, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं थोड़ा देर के लिए ढक के रख दूंगी ताकि इसका पानी जो है निकल जाए। थोड़े देर बाद इसका ढक्कन जो है इसको निकाल रही हो, और इसको अच्छे से मतलब फ्राई करना है। इसका थोड़ा थोड़ा पानी निकल गया, इसको सूखने देना है, और इसको पकने तक मतलब थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे से पक जाए।
और उसके बाद इसको निकाल के रख दूँगी। इसके बाद इसको फिर से निकाल रही हूँ। ये अभी हो गया फ्राई, बहुत देर तक मैंने इसको फ्राई किया और इसका पानी सूख गया है, थोड़ा नीचे लग गया। अभी ये मेरा हो गया, अभी इसको मैं निकाल दूँगी। ये जो निकालने के बाद यहाँ पे मैं दाल जो है इसको यहाँ पे बॉईल करूँगी। सो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने पानी डाल दिया और ये है ब्लैक लेंथिल जो काला वाला दाल है। सो इसको मैंने बहुत देर के लिए भिगा के रखा था, ये अभी थोड़ा फूल गया है ताकि ये जल्दी से पक जाए। सो मैंने इसको वॉश भी कर लिया है। अभी मैं इसको यहाँ पे जो मैंने हंडी लिया हुआ है इस पर डालूँगी। सो पानी मैंने दे दिया है, अब इसको यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर से नमक डालेंगे, ये नमक मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार। सो उसके बाद फिर से बेकिंग सोडा मैं ऐड करूँगी वहाँ पे ताकि ये जल्दी से पक जाए। सो देखिए मैंने इतना यहाँ पे ऐड किया है, आप ऐड कर सकते हैं इससे ज़्यादा भी कम भी आपको टेस्ट के अनुसार। सो इसको अच्छे से बॉईल होने देना है, इसको अच्छे से पकने देना है, इसके बाद ही मैं ऐड करूँगी वो स्नेल को यहाँ पे। सो मैंने इसको बहुत देर बॉईल कर लिया है, बहुत देर तक, ये पकाएगी नहीं इसे ट्राई कर सकते। सो ये अभी पक गया है। सो अभी इसको यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगी ताकि ये अच्छे से टूट जाए और घने बन जाए। अभी ये मेरा दाल उबल के और पक के रेडी हो गया, पक गया है। अभी यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ये स्नेल्स जो मैंने फ्राई करके रख दिया था, अभी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। सो इस तरह से यहाँ पे ऐड करना है, इसके बाद इसको बहुत देर तक बॉईल करना है, मतलब अच्छे से पकने देना है इन दोनों को। सो बॉईल बहुत देर तक करना है क्योंकि ये अच्छे से हो जाए। इसको मैंने बहुत देर तक बॉईल कर लिया है, अभी ये मेरा पक गया है, इसको अभी निकालूँगी और इसको खाऊँगी। सो देखिए मेरा डिश रेडी हो गया है ये। पूरा परफेक्ट है, बहुत टेस्टी। सो टेस्टी। ये हमारा बोरो का ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया है, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलेगा। बाय बाय, मैं खा लेती हूँ इसको अच्छे से।